बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH मॉनसून की पहली बारिश में ही बदहाल नजर आई। हालात कितने बदतर है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल के अंदर मछलियां तैरती नजर आई। अस्पताल का ये दृश्य एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की पोल खोलती नजर आ रही है। मरीज यहाँ अपनी बीमारी ठीक कराने आते हैं, लेकिन यहाँ आकर तो स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाए। हाँ, आईसीयू को सर्जिकल आईसीयू में पहले ही शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पानी आने के कारण थोड़ा देर के लिए असुविधा होती थी। ड्रेनेज तो खैर बेटर हुआ है, फिर भी इन्फेक्शन या और सब चीज़ को देखते हुए आईसीयू को दूसरे सर्जिकल वार्ड सर्जिकल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पे मेडिसिन का और सर्जरी का और गायनी का सब का आईसीयू वहीं पे। कई लोग शिकायत कर रहे थे कि मछली वगैरह भी आ गया था वार्ड में, मछली आ गया था, पानी भी लग तो गया। ये पानी आएगा तो पानी के साथ तो मछली आता ही है। अब ये तो हम लोग नहीं देखे हैं, बट ये तो समस्या है। अब मरीज लोग बता रहे थे, हो सकता है मरीज लोग बताते होंगे, हम लोग नहीं देखे हैं इस चीज़ को। अब इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, सरकार के बात पहले से ही पता है। यहाँ पे हर बार समस्या होती है, सरकार इस पर ध्यान दे।